हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि क्या होती है? जैसे कि आप पिछले संधि में बताया गया था कि जितने भी संधि होते हैं वो दो शब्दों में, उसमें सभी में दो शब्द होते हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से ही क्या होता है, मेल होता है। तो विसर्ग संधि क्या है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर क्या हो, विसर्ग हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, या तो स्वर हो या तो वह क्या हो, व्यंजन हो, तो यहाँ दोनों के मेल से कौन सी संधि बनती है, तो वह बनता है विसर्ग संधि। यानी कि विसर्ग संधि में क्या होता है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होता है, तो वह या तो स्वर होता है या तो व्यंजन होता है, दोनों के मेल से विसर्ग संधि बनती है। आइए देखते हैं हम पहला नियम क्या कह रहा है। यदि विसर्ग के बाद, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण को क्या बताया गया, विसर्ग हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहे चाछा हो या टाठा हो या ताथा हो, ठीक, अगर विसर्ग है यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, विसर्ग हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाछा में से कोई हो, तो जो विसर्ग होता हो परिवर्तित हो जाएगा बड़ा सा आधा में, ठीक। यदि विसर्ग के बाद टाया ठा हो तो विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग परिवर्तित हो जा रहा है मूर्धन्य सा आधा में। यदि विसर्ग के बाद ताया था हो तो विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा किसमें, आधा सा में, छोटे वाले में, ठीक। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, चा है। तो इसमें अगर देखें कौन सा नियम लागू हो रहा है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, विसर्ग हो, और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, चाछा में से कोई हो, तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है, चा दिख रहा है। इसका मतलब पहला नियम क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। तो इसमें विसर्ग किसमें बदलेगा, बड़ा सा आधा में। जरा देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो ना पर छोटी मात्रा नी तो रहेगा ही, लेकिन जो विसर्ग है, चूंकि चा है लास्ट में, इसलिए विसर्ग बदलेगा किसमें, बड़ा सा आधा में, तो यहाँ पर आधा सा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चाय, यहाँ बन जाएगा निश्चय, ये बन जाएगा निश्चय। जरा इसमें देखिए, इसमें नी है, इसका मतलब ना के बाद विसर्ग है, तो विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या है, ता है, तो ये नियम लग रहा है, यानी विसर्ग है और विसर्ग का दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या, ता है, तो विसर्ग किसमें बदल रहा है, छोटा सा बदल रहा है। इसमें देखेंगे तो हम क्या बनेगा, ना पर छोटी मात्रा तो रहेगा ही, विसर्ग गायब होकर क्या बन जाएगा, चूंकि ता है और ता होने की वजह से विसर्ग किसमें बदलेगा, आधा सा में, यहाँ पर आधा सा हो गया और जुड़ जाएगा इसमें तेज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निस्तेज। अगला देखिए, यहाँ पर का के साथ विसर्ग दिया गया है और यहाँ पर क्या चा है, इसका मतलब विसर्ग के बाद चा है, तो किसमें बदलेगा विसर्ग, आधा सा में, बड़े वाले में बदलेगा, तो यहाँ पर का हो गया और जो आधा सा है ये हो जाएगा इसी में, और चा पर छोटी मात्रा ची हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, बन क्या जाएगा, कश्चित हो जाएगा। जरा इसमें देखिए, दुह है, धन चरित्र है, दा के बाद विसर्ग है और फिर क्या चा है, तो विसर्ग के बाद अगर चा हो तो जो विसर्ग है किसमें बदल रहा है, बड़ा सा में, आधा में, तो दा यहाँ क्या हो जाएगा, दा पर छोटा मंत्रा तो रहेगा ही और विसर्ग किसमें बदलेगा, बड़ा सा आधा में, तो यहाँ पर हो जाएगा आधा सा हो जाएगा चा, और जो ये शब्द है जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज़, दुष्चरित्र हो जाएगा। यहाँ देखिए नमः है और यहाँ पर क्या है, ता है, ठीक। तो जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, ता है, तो जो विसर्ग है किस में बदलेगा, आधा सा में बदलेगा, तो यहाँ पर ना हो जाएगा और माँ हो जाएगा, और विसर्ग किस में बदल रहा, आधा सा में, और यहाँ पर आधा सा हो जाएगा और ता पर एक मंत्रा ये रहेगा, हो जाएगा क्या चीज़, नमस्ते, ठीक। यहाँ पर देखिए, निह है, धनचल है, ना के बाद क्या है, विसर्ग है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, चा है, तो जो आपका विसर्ग है किसमें बदल रहा, आधा सा में बदल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा जो आपका विसर्ग है, और जो चा है और ला है लिख दिए जाएंगे, हो जाएगा निश्चल। आइए अगला देखते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, ना पर छोटी मात्रा और विसर्ग है, और यहाँ पर क्या है, छा है और ला है, यानी कि जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद छा है, तो विसर्ग के बाद ये चा छा में से कोई हो, तो विसर्ग किसमें बदल रहा है, बड़ा सा आधा में। जरा देखिए यहाँ क्या बन रहा है, ना पर छोटी मात्रा तो रहेगा ही, लेकिन जो आपका विसर्ग है किसमें बदलेगा, छोटा बड़ा सा आधा में, यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो छल है ये हो जाएगा, ये क्या बनेगा, निश्चल, ठीक।
अगला देखते हैं क्या बनता है। ना पर छोटी मात्रा तो है ही, विसर्ग है और क्या है, चिंत है, इसका मतलब चाह है। तो जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है, चाह है। विसर्ग किस में बदलेगा, बड़ा सा आधा बदलेगा। बदल लिखिए, देखिए क्या बनता है। ना पर छोटी मात्रा तो रहेगा ही और यहाँ पर और जो ये हो जाएगा, बन जाएगा निश्चिंत। यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा निश्चिंत बनेगा। और जरा यहाँ देखिए क्या बनता है, ना पर छोटी मात्रा है, फिर विसर्ग है और अब की बार क्या है, ठा है। तो यहाँ क्या है, विसर्ग हो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण टा या ठा में से कोई भी हो, तो जो विसर्ग है वो मूर्धन्य सा आधे में परिवर्तित हो जा रहा है। यानी कि यहाँ क्या बदलेगा, विसर्ग है तो बदल जाएगा आधा सा मूर्धन्य में। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना पर छोटी मात्रा तो रहेगा ही और ये जो विसर्ग है किसमें बदल रहा, मूर्धन्य सा में, तो यहाँ पर मूर्धन्य सा हो जाएगा और ये ठुर है लग जाएगा, बन क्या जाएगा, निष्ठुर। जरा यहाँ देखिए क्या बन रहा है, तो दा के बाद क्या है, चाह है, यानी विसर्ग के बाद क्या है, चाह है। तो विसर्ग के बाद यदि चाह हो तो विसर्ग किसमें बदल रहा, आधा सा में, बड़े वाले में। ठीक, जरा देखिए इसमें क्या बनेगा, दा पर छोटा मात्रा तो रहेगा ही और जो विसर्ग है आधा सा में बदलेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा सा और चा के साथ लग जाएगा का के बाद रा, बन के जाएगा दुष्चक्र। ठीक, जैसे कि आपको दोस्तों बताया गया था कि प्रत्येक वीडियो को सबसे पहले हम लोग नियम के दृष्टि से देखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि हम कैसे पहचाने, कैसे लगाएं कि कौन सा संधि होगा। ठीक, तो आपको बताया गया था कि जो सभी शब्दों में कॉमन होता है वही हिंदी का जो संधि विच्छेद है उसमें क्या मान लिया जाता है, ट्रिक मान लिया जाता है। इसमें हम ढूंढेंगे कॉमन क्या हमको दिख रहा है, तो अगर कॉमन हम देखें तो हमको दिख रहा है यहाँ पर जितने भी इस नियम के अनुसार विसर्ग संधि है उन सभी संधियों में जो आपका जो यहाँ पर सा वाले बन रहे हैं सबके सब क्या आधा है। जैसे यहाँ पर बड़ा वाला सा आधा है, यहाँ पर छोटा वाला सा आधा है, यहाँ पर भी बड़ा वाला सा आधा है, यहाँ पर भी बड़ा वाला सा आधा है, यहाँ पर छोटा सा आधा है, यहाँ पर भी बड़ा वाला सा आधा है, यहाँ पर भी बड़ा सा आधा है, यहाँ पर भी बड़ा सा आधा है, यहाँ पर मूर्धन्य सा आधा है, यहाँ पर भी क्या है, बड़ा वाला सा आधा है। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी शब्द के मध्य में बड़ा वाला सा आधा मिले या छोटा सा आधा मिले, मतलब मूर्धन्य सा या छोटा सा आधा मिले, तो वहाँ उस शब्द में जो संधि होगी वह कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। यानी कि शब्द के बीच में अगर कहीं भी कोई भी अगर आपको सा दिख रहा है तो आप आंख मूंद के लगा सकते हैं कि वहाँ क्या है, विसर्ग संधि है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।